हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच कंप्यूटर कंप्यूटर लेसन वन। द कंप्यूटर ए मशीन, फोकस ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में क्या क्या फोकस है देखिए। थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ। हाउ मशीन्स हेल्प अस, मशीन हमारी मदद कैसे करता है। कंप्यूटर एंड इट्स फीचर्स, कंप्यूटर और उसके फीचर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। थिंग्स अराउंड अस, ऑल थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। सभी चीज़ों को दो समूहों में बांटा गया है या दो भागों में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक चीज़ें, नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक चीज़ें एंड मैन मेड थिंग्स, और मानव निर्मित चीज़ें। नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स क्या होता है देखिए। नेचुरल थिंग्स आर थिंग्स दैट आर अवेलेबल टू अस डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। एग्जाम्पल आर वाटर एंड वुड। प्राकृतिक चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति से सीधे हमारे लिए उपलब्ध होती है। प्राकृतिक चीज़ें क्या होती है, वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रकृति से सीधे हमारे लिए उपलब्ध होता है। एग्जाम्पल में वाटर एंड वुड, वाटर पानी और लकड़ियाँ। पानी को तो हम लोग बनाते नहीं हैं, तो ना ही वुड को बनाते हैं, तो वाटर और वुड क्या है, ये नेचुरल थिंग्स है। मैन मेड थिंग्स, मैन मेड थिंग्स आर थिंग्स दैट आर मेड बाई मैन यूजिंग मटेरियल्स फ्रॉम नेचर। मानव निर्मित चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति के सामग्री का उपयोग करके मनुष्य द्वारा बनाई गई है। मैन मेड थिंग्स वे होते हैं जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनका उपयोग करके मानव द्वारा बनाया जाता है। एग्जाम्पल आर ए फैन, ए कार एंड ए पेंसिल। जैसे एक पंखा, कार, एक कार और पेंसिल, ये किसके द्वारा बनाई जाती है, ये मैं आदमियों द्वारा बनाई जाती है। ये हमको नेचर, प्रकृति से ये हमको नहीं मिलती है, पर हम इसको प्रकृति के सामानों का उपयोग करके इसको हम बना सकते हैं। हाउ मशीन हेल्प अस, मशीन हमारी मदद कैसे करता है। मशीन आर थिंग्स मेड बाई मैन, मशीनें मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। दोस मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स, मशीन जो है मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। इस प्रकार मशीनों मानव निर्मित चीज़ें हैं। इस प्रकार दोस मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स, इस प्रकार मशीन मानव निर्मित चीज़ें हैं। दे मेक आवर वर्क ईजी, ये हमारे काम को आसान कर देती है। आइजर वी कैन फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन्स इन आवर होम, हम अपने घरों में मशीनों के उदाहरण देख सकते हैं या पा सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, हम अपने घर में मोबाइल फ़ोन देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं और एयर कंडीशनर यानी एसी भी हम लोग देखते हैं। मोबाइल फ़ोन वी यूज़ इट टू मेक कॉल, हम इसका उपयोग फ़ोन करने के लिए करते हैं। टेलीविज़न वी यूज़ इट टू वॉच मूवी, हम इसका उपयोग फिल्में देखने के लिए करते हैं। वी यूज़ एयर कंडीशनर, वी यूज़ इट टू कीप आवर हाउस कूल, हम इसका उपयोग अपने घर को ठंडा करने के लिए करते हैं। ठीक है, हम इसका उपयोग कब क्यों करते हैं, हम इसका उपयोग एयर कंडीशनर का उपयोग अपने घर को ठंडा करने के लिए करते हैं। रेफ्रिजरेटर वी यूज़ इट टू कीप द फूड कूल, खाने को ठंडा करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं। खाना को ठंडा रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज, फ्रिज को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर। वॉशिंग मशीन वी यूज़ इट टू वॉश आवर क्लॉथ, हम अपने कपड़ों
अपने कपड़े धोने के लिए हम वॉशिंग मशीन का उपयोग करते हैं। टोस्टर, वी यूज इट टू मेक ब्रेड स्लाइस क्रिस्प एंड ब्राउन। हम इसका उपयोग ब्रेड स्लाइस को कुरकुरा और ब्राउन या भूरा करने के लिए करते हैं, ब्राउन करने के लिए करते हैं। ऑल मशीन हैव सम कॉमन फीचर्स विच आर गिवन बिलो। हम सभी मशीनों के कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो नीचे दी गई है। जैसे कुछ सभी मशीनों की जो है सामान्य विशेषताएं होती हैं, जो देखिए, मशीन मेक आवर वर्क इजी। मशीनें हमारे काम को क्या कर देती है, आसान कर देती है। मशीन हेल्प अस टू सेव टाइम। मशीन हमारे समय को बचाने में हमारी मदद करती है। मशीन कैन नॉट वर्क ऑन देयर, मशीन कैन नॉट वर्क ऑन देयर ऑन। मशीन अपने आप काम नहीं कर सकती। मशीन अपने से तो चलेगी नहीं जब तक आप इसका तार नहीं लगाओगे, स्विच ऑन नहीं करोगे, तो मशीन अपने आप काम नहीं कर सकती। मशीन वर्क वेरी फास्ट। मशीन बहुत तेज़ी से काम करती है। आई एम ए वॉशिंग मशीन। मैं वॉशिंग मशीन हूँ। आई कैन वॉश एंड ड्राई योर क्लॉथ्स। मैं आपके कपड़े को धो और सुखा सकती हूँ। मोस्ट ऑफ द मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर मशीनें बिजली से चलती हैं। किससे चलती हैं मशीनें? बिजली से चलती हैं। जैसे ये देखिए मिक्सर, ये भी किससे चलती है? मशीन से चलती है। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर। सम मशीन्स रन ऑन फ्यूल। कुछ मशीनें ईंधन पर चलती है। सम मशीनें रन ऑन फ्यूल, फ्यूल मीन्स क्या होता है? ईंधन। जैसे एरोप्लेन, कार और मोटरसाइकिल, ये सब किससे चलती है? फ्यूल से चलती है। सम मशीन्स वर्क विथ ह्यूमन पावर। कुछ मशीनें मानव शक्ति के साथ काम करती। कुछ मशीनें किसके साथ काम करती है? मानव शक्ति के साथ। जैसे साइकिल, साइकिल न तो फ्यूल से चलती है न इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इसको कैसे चलाया जाता है? ये साइकिल को हम लोग पैर से चलाते हैं। हम लोग अपनी एनर्जी लॉस करते हैं साइकिल में, हम लोग अपना पावर लगाते हैं। तो ये क्या हुआ? ये सब ह्यूमन पावर से चलती है। मशीन हम हाथ से चलाते हैं। रिक्शा, ये सब मशीन से नहीं चलती है। रीड द क्लू, सर्कल द करेक्ट मशीन। अब देखिए, आई नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। अब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या कैची जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है? नहीं, तो प्रेस चलता है। तो हम कहाँ टिक करेंगे? प्रेस पर टिक करेंगे। फिर क्या है? आई डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। अब इसमें से हमको क्या है? आई डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी। हमको जो है काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, तो साइकिल ही होगा। ठीक है, कंप्यूटर एंड इट्स फीचर। एक कंप्यूटर इज ए मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। इट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। इसको वर्क करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की। इट कैन डू मेनी थिंग्स। इट कैन डू मेनी थिंग्स, यह कई काम कर सकता है। इट इज ए स्मार्ट, मशीन। ये कैसा मशीन है? ये एक स्मार्ट मशीन है। एक कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर जो है बहुत तेज़ी से काम करता है। एक कंप्यूटर कैन डू मेनी थिंग्स। कंप्यूटर यह कई काम कर सकता है। एक कंप्यूटर डज नॉट मेक ए मिस्टेक। कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता है। एक कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, और ये कंप्यूटर जो है कभी थकता भी नहीं है। द वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर मीनिंग टू काउंट। कंप्यूटर शब्द गणना का अर्थ गणना करने के लिए से आया है। ओके, द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर मीनिंग टू काउंट। टाइप ऑफ कंप्यूटर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर जो है कई प्रकार के होते हैं। ए डेस्कटॉप इज़ ए कंप्यूटर वी कीप ऑन ए टेबल। ए डेस्कटॉप इज़ ए कंप्यूटर, डेस्कटॉप क्या है, एक कंप्यूटर है, वी कीप ऑन ए टेबल, इसको हम कहाँ रख सकते हैं, एक डेस्कटॉप एक कंप्यूटर है जिसे हम एक टेबल पर रख सकते हैं। लैपटॉप, ए लैपटॉप इज ए कंप्यूटर, लैपटॉप क्या है, लैपटॉप भी कंप्यूटर है, इट इज स्मॉलर एंड लाइटर देन ए डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप से छोटा और हल्का होता है, वी कैन कैरी इट विथ अस, हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स आल्सो है पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इन देम मोबाइल फोन और टैबलेट भी कंप्यूटर के कुछ हिस्से होते हैं। अब देखिए चैप्टर इन शॉर्ट, इस चैप्टर में जो शॉर्ट क्या है, देखिए ऑल थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। ऑल थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, हम सभी चीज़ों को कितने समूह में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन से, नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स। मशीन मेक आवर वर्क इजी, मशीन हमारे काम को आसान करती है। मोस्ट ऑफ द मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सम मशीन्स रन ऑन फ्यूल एंड सम मशीन रन विथ ह्यूमन पावर। देखिए मोस्ट ऑफ द मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बहुत से मशीनें जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, कुछ मशीनें जो है ईंधन से चलती है मतलब फ्यूल से चलती है, और कुछ मशीनें किससे चलती है, ह्यूमन पावर से चलती है। एक कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन, कंप्यूटर कैसा मशीन है, स्मार्ट मशीन है। एक कंप्यूटर कैन डू मेनी थिंग्स, कंप्यूटर बहुत कुछ कर सकता है। ए डेस्कटॉप इज ए कंप्यूटर वी कीप ऑन ए टेबल, डेस्कटॉप क्या है, कंप्यूटर है जिसको हम टेबल पर रख सकते हैं। ए लैपटॉप इज ए स्मॉलर एंड लाइटर देन ए डेस्कटॉप, और लैपटॉप जो है डेस्कटॉप से छोटा और हल्का होता है। वी कैन कैरी इट विथ अस, इसको हम इसे अपने साथ क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, कंप्यूटर लेसन 1 एक्सप्लेन हो गया है, इसको आप अपने से पढ़िए, ठीक है, इसको आप खुद पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर और भी कुछ जो है जो भी लेसन के एक्सरसाइज में उसको हम फिल कर देंगे। थैंक यू।